खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और आपको याद होगा, आप भूल भी कैसे सकते हैं, कि कल हमने आपको बताया था कि यूपी में गठबंधन आईसीयू में है। और आज क्या हुआ? आज गठबंधन का अंत हो गया। ऐलान किसने किया? खुद बहन कुमारी मायावती ने। वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। 12 दिन की सोच विचार और गुणा भाग के बाद मायावती को पता चला कि अखिलेश की पार्टी से गठबंधन करना घाटे का सौदा था। यूपी की 80 सीटों में से 10 सीटें मायावती को मिली हैं, जबकि 5 सीटें अखिलेश को। मायावती का दावा है कि बीएसपी को एसपी के वोट नहीं मिले, इसलिए यूपी में जिन 11 सीटों पर उपचुनाव होंगे उसमें बीएसपी अपने दम पर लड़ेगी। अब अखिलेश कह रहे हैं कि साथ छोड़ना है तो फैसले का स्वागत है, और अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत और बधाई सब लोगों को। 24 साल बाद एसपी बीएसपी ने मोदी को हराने के लिए दोस्ती की थी, लेकिन दोस्ती को जनता ने नकार दिया और अब दोनों ने दोस्ती भी तोड़ ली है। आगे बढ़ते हैं और आज की एक अहम खबर आप तक और पहुंचा दें कि गिरिराज सिंह को अमित शाह ने चेतावनी दी है। लेकिन क्यों? कहा कि ऐसी वैसी बातें न करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये ऐसी वैसी बात है क्या? ये चेतावनी दी क्यों गई है, आप खुद देख लीजिए। इफ्तार ने बिहार की गर्म राजनीति में तड़का लगा दिया है। पिछले 3-4 दिनों से इफ्तार की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन तस्वीरों को एक जगह जमा करके केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। फेसबुक पर गिरिराज ने लिखा है कि कितना अच्छा होता कि ऐसी तस्वीरें नवरात्र के दौरान भी दिखती। गिरिराज सिंह ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, उन तस्वीरों में नीतीश और सुशील मोदी भी हैं। गिरिराज सिंह के इस वार पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। ये लोग ढोंग रचकर पूरे देश को नाश करना चाहते हैं और जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एनडीए गठबंधन के लिए घातक है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई पहले हुआ रहता तो आज ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। इफ्तार की तस्वीरों को लेकर ये विवाद ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। 9 जून को जेडीयू ने बैठक भी बुलाई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज है, इसीलिए बिजली का बुरा हाल है। कमलनाथ के पुतले तक वहां फूंके जा रहे हैं। हाथ में लालटेन और चेहरे पर कमलनाथ का मुखौटा। तस्वीरें इंदौर की हैं। गर्मी से परेशान देश के सबसे साफ शहर के लोग कांग्रेस के राज में बिजली कटौती से परेशान हैं। और इसी गुस्से को दिखाने के लिए आज कमलनाथ का पुतला फूंका गया। बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हुए। असल में 2 दिन पहले मशहूर शायर राहत इंदौरी ने ट्वीट किया था कि रमजान में बिजली का जाना आम हो गया है। इस ट्वीट के बाद दुनिया को ये पता चला कि कमलनाथ के राज में ये लोग बिजली की समस्या झेल रहे हैं। हालांकि ट्वीट के बाद विभाग हरकत में आया, लेकिन बात तो दूर तक जा पहुंची है। वैसे भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिजली कटौती के लिए बदनाम है और इसका जिक्र चुनाव प्रचार में पिछले साल कई बार शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। बंगाल की कहानी सुनाते हैं आपको, क्योंकि बंगाल में टीएमसी को साफ करने के लिए बीजेपी जय श्री राम के बाद अब जय महाकाली का नारा लेकर मैदान में आ गई है। हमारा जय हिंद, जय महाकाली, जय श्री राम, सबका अर्थ एक ही है, बंगाल में सुशासन, बंगाल में हिंसा का राज समाप्त करना। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जय श्री राम के साथ जय मां काली का नारा भी जोड़ दिया है। विजयवर्गीय के काली मां के दरबार में जाने की पीछे की कहानी समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ ममता की टीएमसी जय बांग्ला जय हिंद का नारा लगा रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझा रही हैं। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें मिली तो ममता को ये समझ आ गया कि बीजेपी को जय श्री राम के नारे का फायदा मिल रहा है, इसीलिए ममता बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में नया नारा लेकर आई। सोमवार को ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर नई तस्वीर लगाई जिसमें देश के महापुरुषों के साथ जय हिंद जय बांग्ला लिखा है। दिल्ली सरकार अचानक एक्टिव हो गई है, लोग कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अचानक यहां ये जानने पहुंचे हैं कि स्कूल निर्माण की स्पीड सही चल रही है या नहीं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं। सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार के मंत्री अलग अलग जगह इसी तरह सरप्राइज चेक करेंगे। प्रशांत बिहार के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे सिसोदिया ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये चुनाव में हार के बाद की हरकत नहीं है। तो क्या ये हार के बाद अचानक से सरकार हरकत में आई? नहीं नहीं, सरकार तो हमेशा हरकत में थी। आप पिछले 4 साल में कोई ऐसा दिन ढूंढ के लाए जिस दिन मैं सुबह स्कूलों में नहीं था। सिसोदिया हर रोज 6-7 स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। 239 स्कूलों में 13,300 क्लासरूम बनाने का काम चल रहा है। दिल्ली में बस और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने के बाद ये केजरीवाल सरकार का चुनाव के लिए दूसरा दांव है। कल केजरीवाल ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस और मेट्रो यात्रा का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ रेप के आरोपी पूर्व मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की वो इजाजत नहीं दे रहे। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार पर राशन कार्ड बनवाने के नाम पर महिला से बलात्कार का आरोप लगा था। महिला ने कोर्ट में दिए बयान में संदीप कुमार का नाम लिया था, लेकिन संदीप कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को जो इजाजत चाहिए वो दिल्ली सरकार के पास करीब 1.25 साल से लंबित है। दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहली बार 24 अप्रैल 2018 को दिल्ली सरकार के पास पत्र भेजा था। उसके बाद से लगातार आधा दर्जन से ज्यादा रिमाइंडर दिल्ली सरकार को दिए गए, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने संदीप कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार महिलाओं को लेकर दोहरा मापदंड अपना रही है। पहले केजरीवाल सरकार ने संदीप का बचाव किया था, बाद में उन्हें पद से हटाया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस को मंजूरी ना देकर केजरीवाल अब भी अपने पूर्व मंत्री का बचाव ही कर रहे हैं। महात्मा गांधी पर विवादित ट्वीट करने वाली आईएएस अधिकारी निधि चौधरी की कल हमने आपको स्टोरी दिखाई थी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। गोडसे से भक्ति दिखाने वाली महाराष्ट्र की आईएएस अधिकारी निधि चौधरी को बीएमसी के उपायुक्त पद से हटाकर जल आपूर्ति विभाग में भेज दिया गया है। दरअसल निधि चौधरी ने 17 मई को बापू को लेकर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में निधि ने महात्मा गांधी की तस्वीर को नोटों से और नाम को सड़क से हटाने की मांग की थी और ट्वीट में बाबू के हत्यारे गोडसे को धन्यवाद भी दिया था। निधि चौधरी के ट्वीट पर एनसीपी ने हंगामा किया तो सरकार भी हरकत में आई। निधि को कारण बताओ नोटिस जारी करके फिलहाल उनका विभाग बदला गया है। हालांकि पूरे विवाद में निधि ने फेसबुक पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्होंने तो सिर्फ एक व्यंग लिखा था जिसे गलत समझा गया। वो बापू का पूरा सम्मान करती हैं। अखिलेश से बोली बुआ, हुआ तो हुआ, और यही तो है बहन जी का माया जाल भी। 0 से 10 पर पहुंच गई है बहन जी, फिर भी अखिलेश पर यह कहते हुए ठीकरा फोड़ दिया कि यादवों ने वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यादवों ने वोट नहीं दिया होता तो कहां से 10 सीट जीत पाती बहन जी। कुल मिलाकर अंक गणित क्या कहता है? वो कहता है कि मायावती बंपर फायदे में रही, लेकिन अब नफा नुकसान सब अतीत की बात है। वर्तमान यह है कि माया और अखिलेश का रिश्ता खत्म हो चुका है, टूट चुका है, रास्ते अलग अलग हो गए हैं, चुनाव अब अलग अलग लड़ा जाएगा। लोग कह रहे हैं कि ये गेस्ट हाउस का बदला है जो बहन जी ने आज लिया है। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। फिलहाल अकेले लड़ने का फैसला लिया और अकेले ही एक तरफा ऐलान करके साफ कर दिया कि तुम अलग चलो, हम अलग चलेंगे। बारह जनवरी से अब तक यानी कुल 142 दिन मायावती अखिलेश के साथ चलें और यूपी में हार की जिम्मेदारी अकेले अखिलेश यादव के माथे पर मढ़कर मायावती निकल गए। जब सपा का बेस वोट खुद सपा के खास सीटों पर ही छिटक गया है तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है।
मायावती ने शुद्ध रूप से नेता की तरह गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सुबह 11 बजे आई तो पहले अखिलेश और डिंपल के बर्ताव और विचार की तारीफ की, फिर कह दिया कि रिश्ते अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बीएसपी व सपा का गठबंधन हुआ है तो तब से खासकर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा पूरा आदर सम्मान भी दिया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी से 142 दिन पुराना गठबंधन तोड़ा तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे ये तो गेस्ट हाउस कांड का बदला है। ट्विटर पर इस तरह के मैसेज की बाढ़ सी आ गई। हार जीत और बनते बिगड़ते रिश्ते की इस कहानी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले गेस्ट हाउस कांड की कहानी समझते चलिए। साल 1995 में मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। मुलायम और काशीराम की पार्टी बीएसपी में गठबंधन था। अचानक 1 जून को मुलायम को खबर मिली कि मायावती समर्थन वापस लेने की तैयारी कर रही हैं और फिर दोस्ती दुश्मनी में ऐसी बदली कि इतिहास में दर्ज हो गया। 2 जून 1995 की दोपहर को लखनऊ के इसी गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। उसी दौरान समाजवादी पार्टी के करीब 200 समर्थकों ने इस गेस्ट हाउस को घेर लिया। मुलायम के ये समर्थक मरने मारने पर उतारू हो गए। तब के बीएसपी सुप्रीमो काशीराम बीजेपी और बाकी मुलायम विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मायावती को आगे किया था, लेकिन मुलायम के समर्थक इस अप्रत्याशित घटना से बौखलाए हुए थे। गेस्ट हाउस पर हमले के डर से बीएसपी के विधायकों ने गेस्ट हाउस के इसी गेट को बंद कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने इस गेट को तोड़ डाला। वे अंदर घुस गए और विधायकों से मारपीट करने लगे। कई विधायकों को तो अंदर से बाहर जबरन घसीट कर लाया गया और उन्हें कार के अंदर डाल दिया गया। मायावती पर भी हमले की कोशिश हुई, लेकिन किसी तरह से उन्हें बचा लिया गया। और यही घटना देश के इतिहास में गेस्ट हाउस कांड के रूप में दर्ज हुई। वो भी जून का महीना था और ये भी जून का महीना है। तब 2 जून की तारीख थी और अब 4 जून है। तब मायावती ने मुलायम को छोड़ा था, अब अखिलेश को छोड़ने का ऐलान किया गया है मायावती की तरफ से। अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है, मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा। और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत और बधाई सब लोगों को। अखिलेश यादव ने 142 दिन पहले पिता मुलायम सिंह यादव की बातों को दरकिनार करते हुए मायावती से हाथ मिलाया था। डिंपल यादव ने मायावती के जब पैर छुए तो लगने लगा कि अब ये फेविकोल का जोड़ वाला रिश्ता बन रहा है। लेकिन राजनीति में रिश्ते फेविकोल से नहीं बल्कि स्वार्थ से बनते हैं। अब अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव को भी ये बात समझ में आ रही है। अलायंस इंटैक्ट रहता वो तो अच्छा होता ही, और इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं होगी गठबंधन को तोड़ने के लिए। राजनीति में जब हैं और चुनाव होते हैं, चुनाव में अगर बहन जी ने कहा है कि विधानसभा के उपचुनाव अलग लड़ेंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी को चुनाव तो लड़ना ही है, फिर समाजवादी पार्टी को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। यूपी में मायावती 38 सीटों पर लड़कर 10 सीट जीती। अखिलेश 37 सीटों पर लड़े और 5 पर जीते। अखिलेश के परिवार के 3 लोग चुनाव हार गए। सबसे ज्यादा फायदे में मायावती रहीं। जिनके पास 1 सीट नहीं थी उनके 10 सांसद हो गए। फिर भी कह रही है कि यादवों का वोट उन्हें नहीं मिला, जबकि हकीकत ये है कि जौनपुर, घोसी, गाजीपुर और लालगंज में यादवों का वोट बीएसपी को नहीं मिलता तो जीत नहीं मिलती। इन सीटों पर 10 से लेकर 20 फीसदी तक यादवों की ही आबादी है। अगर यादव वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ होता
तो कई पूर्वांचल की ऐसी सीटें हैं जो कभी बीएसपी नहीं जीत सकती थी। बसपा सपा जिंदाबाद। और बड़ी बात यह है कि मायावती के वोट में कोई इजाफा तो हुआ नहीं, जो जीत मिली है वो समाजवादी पार्टी के जुड़ने से ही मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मायावती ने रिश्ता तोड़कर सही किया या गलत, तो इसका जवाब ये है कि इसे देखने का अलग अलग चश्मा हो सकता है। फायदा ये है कि मायावती फिर से अपनी पार्टी का सीएम चेहरा बन जाएंगी और अखिलेश अपनी पार्टी का, क्योंकि साथ रहते तो ये जवाब देना मुश्किल होता कि सीएम का चेहरा कौन होगा। नुकसान ये है कि अखिलेश से रिश्ता तोड़कर मायावती ने राज्यसभा का रास्ता बंद कर लिया है। मायावती के पास अपनी संख्या नहीं है और अब अखिलेश के भरोसे रहना होगा। जब इस दोस्ती की नींव रखी गई थी तब यूपी में लोकसभा का उपचुनाव था, अब जब दोस्ती टूटी है तब विधानसभा का उपचुनाव का नाम लिया गया है। हो सकता है मायावती अकेले लड़ने का दाव चलकर ये दबाव बनाना चाह रही हो कि अखिलेश विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार ना उतारें। फिलहाल गेंद अखिलेश के पाले में है, लेकिन जिस तरीके से यादव बिरादरी को बदनाम करके मायावती ने चाल चली है उससे भविष्य में कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। और अब इफ्तार बहाना नीतीश पर निशाना। देखिए, गिरिराज सिंह ने इफ्तार को लेकर एक ट्वीट किया जिसको लेकर पटना से दिल्ली तक हंगामा मच गया। पटना में जेडीयू के नेताओं ने गिरिराज पर हमला किया तो दिल्ली में अमित शाह ने शाम होते होते नीतीश को चेता गिरिराज को चेता दिया कि इस तरीके की बातें न लिखें और न बोलें। कल शाम को पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे तो पटना से लेकर दिल्ली तक लोग चौंक गए। नीतीश और मांझी ने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाया। परसों मांझी ने भी जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचकर सबको चौंकाया था। इन दिनों बिहार में पूरी राजनीति इफ्तार पर ही हो रही है। परसों जेडीयू, आरजेडी और सुशील मोदी तीनों की इफ्तार पार्टी थी। इफ्तार पार्टियों में नेता टोपी लगाए और गमछा ओढ़े दिख रहे हैं। वैसे इस तरह की तस्वीरें कोई नई बात नहीं, लेकिन केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने इन तस्वीरों को लेकर एक तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा है, कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पर फलाहार का आयोजन करते और सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म से हम पिछड़ क्यों जाते और दिखावे में आगे रहते हैं। गिरिराज सिंह ने फेसबुक पर इस बयान के साथ ही चार तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। दो तस्वीरों में नीतीश और मांझी हैं, दो में नीतीश, सुशील मोदी और पासवान का परिवार है। वैसे तो इन तस्वीरों को लेकर कोई ज्यादा विवाद की बात नहीं होती, लेकिन पांच दिनों से जिस तरीके से नीतीश और बीजेपी के बीच खटपट की बातें सामने आ रही हैं, उस माहौल में इन तस्वीरों के मायने और गिरिराज के बयान का मतलब खास हो जाता है। दिखावा की बात कर रहे हैं क्या? ये दिखावा कर रहे हैं ये लोग, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये सब दिखावा कर रहे हैं? मैंने देखा नहीं, नहीं। तो शब्दों को आज इस विषय पर वही मैंने कहा कि इस विषय पर ये देखना चाहिए कि सब चीज सब ठीक है, कहीं कोई कठिनाई रहे नहीं। सवाल एक है कि आखिर ऐसा गिरिराज सिंह क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात हमने ये कहा कि दृष्टिकोण कहने का अभिप्राय क्या है ये देखने का विषय। बिहार बीजेपी के नेता राजनीतिक माहौल को भांपते हुए हिसाब से बयान दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने लाइन तय कर ली है। जेडीयू का कहना है कि गिरिराज हिंदुत्व की लाइन लेकर बयान देते हैं, लिहाजा उनकी बात का पार्टी नोटिस नहीं लेती। मुझको लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जो कमान है इन लोगों के ऊपर नहीं है। इस तरह का जो बयान और ट्वीट किए हैं ये बिल्कुल ही लगता है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकते हैं। हिंदू का मतलब हिंसा फैलाना नहीं है। हम लोग पूजा नहीं करते हैं क्या? हम लोग हिंदू नहीं है? इनके ऐसा ढोंग नहीं रचते हैं और जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये एनडीए गठबंधन के लिए घातक है। जेडीयू ने गिरिराज सिंह को जवाब देने के लिए दर्जन भर पुरानी तस्वीरें भी जारी की। इन तस्वीरों में नीतीश कुमार भगवा गमछा डाले हुए हैं, साथ में बीजेपी के नेता भी हैं।
तस्वीरें रामनवमी के उत्सव की है। सर्व बाधा विनी मुक्तो धन्धानां सुखावृता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधीशाधिके शरणत्रं भगे गौरे नारायणी नमस्तुभे। जेडीयू ने इन तस्वीरों को जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि गिरिराज सिंह उन्हें ये ना बताएं कि कब क्या करना है क्या नहीं। वैसे एक बात तो सच है, वो ये कि गिरिराज सिंह की हिंदुत्ववादी लाइन। गिरिराज सिंह कट्टर हिंदुत्ववादी सोच के नेता है, जबकि नीतीश कुमार सेक्युलरवादी सोच के। नीतीश को ना तो टोपी पहनने से एतराज है न टीका लगाने से। पहले ये बात नीतीश जाहिर भी कर चुके हैं। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक राजनीति का सवाल है तो राजनीति हर कोई कर रहा है। गिरिराज सिंह की राजनीति का अपना तरीका है तो नीतीश की राजनीति का अपना तरीका। नीतीश पर तंज कसने वाले गिरिराज सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने जब जा रहे थे तो नीतीश से मिलने गए थे। नीतीश ने गिरिराज को जिताने के लिए पूरा जोर भी लगाया। खुद गिरिराज सिंह कहते थे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो मेरी चाल देख ले। एक सिनेमा का गाना है कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा विकास, कौन सा सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का काम, कौन सा सामाजिक समरसता के लिए गिरिराज सिंह हर वो कदम उठाएगा जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और रामविलास जी के सपनों को साकार करने में हम योगदान दे सके। अब चुनाव में जीत और केंद्र में सरकार बनने के बाद बिहार के करार में दरार इसलिए चर्चा में है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनी। नीतीश की पार्टी को सिर्फ एक मंत्री पद मिल रहा था जिसे नहीं लिया। नीतीश ने मंत्रिमंडल विस्तार किया जिसमें सिर्फ जेडीयू के लोग शामिल हुए। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने एक दूसरे की इफ्तार पार्टियों से दूरी बनाई और फिर ऐसे माहौल में गिरिराज ने ट्विटर पर हिंदूवादी लकीर खींचकर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को लपेट लिया। और अब खबर ये है कि जेडीयू 9 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है जिसमें मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी।